शांति। आज की तारीख है 6/12/15 और आज की ज्ञान मुरली प्राणेश्वर प्राण प्यारे न्यारे न्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 9/3/81 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। तो बाप दादा कहते हैं कि आज दिल वाला बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। चाहे सन्मुख हैं, चाहे शरीर से दूर हैं, लेकिन दिल के समीप हैं। दूर रहने वाले बच्चे भी अपनी दिल की लगन से दिलाराम बाप के सन्मुख हैं। हाँ, कई सोचते होंगे कि हम तो बहुत दूर हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं, वो अपनी दिल की लगन से बाप के बिल्कुल सन्मुख समीप जैसे बैठे हैं। तो ऐसे दिलरुबा बच्चे जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता रहता है और वह भी अनहद साज। हाँ, जब दूर होते हैं तो याद ज्यादा आती है, जब याद ज्यादा आती है तो दिल अंदर में बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा ऐसे याद करता रहता है। तो ये जैसे कि एक अनहद साज बजता रहता है, हद का साज नहीं, बाबा कहते हैं अनहद साज। ऐसे बच्चे बाप के अब भी नैनों में समाए हुए हैं। उन्हों को भी बाप दादा विशेष याद का रेस्पोंड कर रहे हैं। तो बाबा ऐसे दूर परंतु समीप बच्चे, उन्हों को भी बाबा आज रेस्पोंड कर रहे हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं मधुबन निवासी और विदेशी बच्चे जो बड़े स्नेह से चात्रक बन मुरली सुनने के सदा अभिलाषी रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल लवफुल लवलीन बच्चों को भी बाप दादा क्या कर रहे हैं, विशेष याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन निवासी और जो भी नीचे बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के वो नैनों के सामने हैं, ऐसे अथक सेवाधारी बच्चों को विशेष याद प्यार के साथ साथ सन्मुख बैठे लक्की सितारों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आज का, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं, वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य को प्रारंभ करते समय स्वस्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। ये स्वस्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन
हर संकल्प व कर्म को करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है आज का, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है क्या? हर एक अनुभवी है उनके, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। अच्छा, ओम शांति।